प्रदेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ झाबुआ जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुश्री निर्मला भूरिया के नेतृत्व में एसडीएम एमएल मालवीय को 21 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश से तबाही हुई है, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आपदा प्रबंधन नहीं कर पाई है और न ही सरकार की ओर से नागरिकों को कोई मदद मिल पाई है। प्रदेश के 52 जिलों में से 32 जिलों में भारी वर्षा हुई है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। साथ ही कांग्रेस ने अपने वचनों को भी नहीं निभाया है, जिससे यहां के किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारी बारिश के कारण किसानों के घर में रखी फसलें तथा खेतों की फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन न तो मुख्यमंत्री और न ही उनके मंत्री प्रभावित गाँव में समय पर पहुंचे हैं। ऐसी ही 21 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट। किसानों को किसान मानधन योजना से वंचित न करे मध्य प्रदेश सरकार, ये कुल 21 बिंदु है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो पूरे मध्य प्रदेश में आज हर विधानसभा क्षेत्र में ये किसानों के उसमें हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राज्यपाल के नाम से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।